हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। ये कंप्यूटर क्लास है, ये क्लास सेकंड और चैप्टर सेकंड का ये कौन सा पार्ट है? सेकंड। ओके, तो टीजेनी कहते हैं जो हम कमांड देते हैं माउस से, वो क्या कहते हैं? इनपुट होता है। इसलिए जो माउस है हमारा क्या है? वो इनपुट डिवाइस है। ओके, तो इनपुट डिवाइस क्या करता है? हमें अलाउ करता है, मतलब जो हम इनपुट डिवाइस से हम सेंड इन्फॉर्मेशन टू द कंप्यूटर, हम कंप्यूटर को क्या करते हैं? इन्फॉर्मेशन सेंड करते हैं। ओके, तो वो क्या करता है? वो हमारा इनपुट, जो इनपुट डिवाइस होता है वो क्विकली गिवन बाय क्लिकिंग द माउस और टाइपिंग ऑन द कीबोर्ड। मतलब जितनी हम जल्दी क्लिक करते हैं और जो टाइप करते हैं वो क्या करता है? सीधे इनपुट डिवाइस हमें कंप्यूटर पर शो आउट करता है। ओके, नेक्स्ट टीच जिन्हें कहते हैं जो डिवाइस, कुछ डिवाइसेस होती हैं वो क्या होती हैं? डिड यू गेट द आउटपुट। कुछ डिवाइस आउटपुट भी होती हैं, जैसे अरु कहता है प्रिंटर, सो द प्रिंटर मस्ट बी एन आउटपुट डिवाइस। तो प्रिंटर क्या होता है? हमारा आउटपुट डिवाइस होता है। तो आउटपुट डिवाइस भी क्या करता है? हमें अलाउ करता है रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर। मतलब इनपुट डिवाइस हमें सेंड करते हैं हम इनपुट से, और आउटपुट डिवाइस क्या करता है? हम उसको रिसीव करते हैं। ओके, जैसे प्रिंट आउट हो गया, प्रिंटर से प्रिंट आउट होता है, साउंड से स्पीकर्स होता है, इमेज ऑन मॉनिटर, हमें मॉनिटर के स्क्रीन पर क्या दिखाई देता है? इमेज दिखाई देती है। तो ये सब क्या होती हैं? ये आउटपुट डिवाइस होती हैं। ओके, डेबिट कहते हैं जो हम टाइप करते हैं कीबोर्ड से और जो हमें मॉनिटर के स्क्रीन पर दिखाई देता है, तो क्या जो हम कीबोर्ड से टाइप करते हैं वो हमारा इनपुट डिवाइस हो जाता है, और जो मॉनिटर के स्क्रीन पर दिखाई देता है वो क्या होता है? आउटपुट डिवाइस होता है। तो टीच जेनी कहते हैं यस करेक्ट, मतलब राइट, सही है। जो हम कमांड्स देते हैं वो क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है, और जो सी हमें जो दिखाई देता है मॉनिटर पर वो क्या होता है? आउटपुट होता है। ओके, अरु करते हैं, अरु पेंट करते हैं यूजिंग द कंप्यूटर, कंप्यूटर से पेंट करते हैं, और पेंटिंग कैन बी सी ऑन मॉनिटर, हमें मॉनिटर की स्क्रीन पर वो दिखाई देता है। पेंट एक्शन दैट, तो ये क्या होता है? हम क्या करते हैं? यूजिंग द माउस आर द इनपुट, हम माउस से एक्शन करते हैं, मतलब माउस को यूज़ करते हैं, चलाते हैं, घुमाते हैं, तभी तो हमारे पेंटिंग बनती है। अब उसमें तो है नहीं, हम पेंसिल से पेंट कर लें मॉनिटर पे, इसे कहते हैं मॉनिटर को हम माउस से पेंट करते हैं। तो पेंटिंग जो शो करती है मॉनिटर पे वो क्या होती है? आउटपुट होती है। तो टीच जेनी कहते हैं यस, वो भी क्या है? आपका करेक्ट है। तो माउस क्या कहते हैं? पॉइंटर से वर्ड, नंबर्स, पेंटिंग एंड एवरीथिंग, जो भी हमें दिखाई देता है उस पर वो क्या होता है? मॉनिटर के स्क्रीन पर वो सब क्या होता है? आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है, तो क्या करते हैं? प्ले अ सॉन्ग ऑन द कंप्यूटर। तो क्या करती हैं? वो एक सॉन्ग सुनती हैं, स्टार्ट करती हैं, तो वो क्या होता है? ये इनपुट भी होता है एंड आउटपुट भी होता है। डेबिट कहते हैं द सॉन्ग दैट वी हेयर इन द आउटपुट, मतलब जो हमें साउंड, जो गाने का सॉन्ग सुनाई देता है वो क्या होता है? आउटपुट होता है, जो हमें दिखाई देता है। अरु कहते हैं जो सॉन्ग सुनाई देता है वो स्पीकर से दिखाई देता है, सो स्पीकर आर आउटपुट डिवाइस। टी जेनी कहते हैं करेक्ट। तो इसमें इनपुट क्या? तो कहते हैं यू क्लिक्ड सॉन्ग आइकन, हम जो माउस से जो सॉन्ग आइकन पर क्लिक करते हैं वो क्या इनपुट डिवाइस है। ओके, सो माउस इज द इनपुट डिवाइस। तो ये आपका क्या हो गया? ये चैप्टर का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया है, इसे अच्छे से रीड करना है। ओके, थैंक यू।